बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने चुनाव आयोग से छिंदवाड़ा से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की शिकायत की है। सुमेर सिंह सोलंकी के अनुसार नकुलनाथ ने आदिवासी नेता को अपशब्द कहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि आदिवासी समुदाय का अपमान करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। नकुलनाथ को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। जहां हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासियों समाज का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं और हमारे महापुरुषों के स्मारक बना के भी समाज को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुलनाथ जी ने आदिवासी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करी है और पूरे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए नकुलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए।